तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उस्मान कहाँ है? वो बालगाय से हिसाब पूरा करने गए हैं। कैसे? उसकी इतनी जुर्रत? तुम उस्मान साहब को नहीं जानती। ये सब तुम्हारी और यानीस की बदौलत हुआ है सोफिया। सल्वाडोर, सल्वाडोर, अब आप आजाद हैं शहजादी। हेलेन और आंद्रियास कहां हैं दोनों? जब हम उनके कैद से फरार हो रहे थे तो आंद्रियास मारा गया। हमारा इंतजार कर रही है हेलेन। सल्वाडोर, मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगी। जो चाहिए था मिल गया। दरवेश, हेलेन को लेकर फौरन कले पहुंचो। हमें शिकस्त हुई आका, माफ कर दीजिए। मेरी बेटी, तुम वापस आ गई, मेरे लिए यही बहुत है। मेरे लिए आपने उस्मान के साथ सौदा किया बाबा, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी खातिर मैं इस जमीन को खून के समंदर में बदल सकता हूं। इंद्रियास कहां है? उसे उन्होंने कत्ल कर दिया। क्या ये तुम्हारी बेवकूफी है या फिर कोई गद्दारी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का अंजाम सिर्फ मौत है। मेरी बात सुने, अदाबाली के दरवेशों से हमारी जान बचाने वाला कोई और नहीं सल्वाडोर है। शहजादी सही कह रही हैं, सल्वाडोर की वजह से ही आज हम जिंदा हैं, और ये हमें बचाते हुए जख्मी भी हो गया था। आका यानीस, अपने कमरे में जाओ बेटा, जो इनाम मैं तुम्हें दूंगा उसका इंतजार करो। सल्वाडोर झूठ बोल रहा है। क्या मतलब? गिरजाघर के चूहे जो हर दिन एक बिल्ली के परेशान करने से थक जाते हैं, वो फैसला करते हैं कि वो बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधेंगे ताकि जब बिल्ली उसे हिलाती हुई आए तो उनको इसकी खबर पड़ जाए, और इस तरह वो एक पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए उन्हें एक बहादुर मगर बेवकूफ चूहे की जरूरत होती है।
यहां उस्मान को एक बेवकूफ चूहा मिल गया है। क्या आप सिल्वाडोर को कत्ल कर देंगे? नहीं, मैं बिल्ली को मारूंगा। तब तक मैं उस बहादुर और बेवकूफ चूहे का इस्तेमाल करूंगा मेरी बेटी। लेकिन आप ये कैसे करेंगे? मैं सल्वाडोर को कुलोजो इसार कले का कमांडर मुकर्रर करूंगा।